लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची में 196 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जिसमें शहडोल लोकसभा सीट में बीजेपी ने फिर हिमाद्री सिंह पर भरोसा जताया है। हिमाद्री सिंह के अलावा कई अन्य नाम भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन 2018 में मिली ऐतिहासिक जीत, पारिवारिक दृष्टिभूमि और बीते 5 सालों में संसदीय क्षेत्र में हिमाद्री सिंह के योगदान को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व में फिर उन पर भरोसा जताया है। हिमाद्री सिंह ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रमिला सिंह को 4 लाख से ज्यादा मतों के बड़े अंतर से हराया था।